हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 से लेकर 12 ज्योग्राफी कवर करने जा रही हूँ, जिसमें आज पढ़ेंगे हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जो चैप्टर नंबर 2 है, आइए देखते हैं, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह मतलब अपनी ही अक्ष पर वो घूमता है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, गति करता है वो। इसके अंदर एक बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। कि किस प्रकार परिवर्तन होता है, कभी ये यहाँ होता है ग्रह, कभी यहाँ, ये चक्कर लगाता रहता है। क्या आप कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, पृथ्वी किस प्रकार से बनी है, कभी आपने सोचा है? तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बना है। कि पृथ्वी भी अनेक परतों से बना हुआ हमारा ग्रह है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सबसे पतला परत होती है, ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहद्वीपी में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक की है। कितने किलोमीटर तक है? सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहद्वीपी मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है तथा ये खनिज से बनी होती है। इसलिए इसे Cl सी सिलिका तथा L से एल्युमिनिया कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका तथा मैग्नीशियम की यह बनी होती है। इसलिए इसे सीमें मतलब सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है, जो कि 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला गया है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है तथा मेटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? तो वो 2900 गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं। अक्सर एसएससी के क्वेश्चन में, यूपीएससी के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, कि सबसे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, तो उसे कोर के नाम से जाना गया है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ और पढ़ें। आइए डायग्राम के बारे में बताएं। आंतरिक कोण कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इस परत को आप प्रॉपर्टी कहते हैं, इस परत को आप मेटल कहते हैं, इसे मेटल क्रोड के नाम से जाना जाता है। ये बाहरी क्रोड होती है, इसे स्थलमंडल कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ें कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। जो गहरी खान है पूरे वर्ल्ड की, वो कहाँ स्थित है? वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तेल की खोज में इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर तक की गहराई तक इसे खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा। यदि आपको गहराई इसकी देखनी है, कोयले की गहरी खान देखनी है, तो दक्षिण अफ्रीका में इतने तक उसको खोद दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसमें हमने देखा जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो क्रोड होती है हमारी 3500 किलोमीटर अंदर तक गहराई तक है तथा निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नीफे मतलब नी से निकल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एक दाब काफ़ी उच्च होता है। अक्सर ये काफ़ी उच्च इसका टेम्परेचर पाया जाता है।
शैल एफ खनिज, खनिज प्रॉपर्टी की, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से मतलब चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के विभिन्न किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैवाल कहते हैं। जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज होते हैं उनको हम शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग आकार और गठन के होते हैं। कोई जो हमारे शैल मतलब जो चट्टानें होते हैं, कोई सफ़ेद होती है, कोई चॉकलेटी, अन्य प्रकार के रंगों में पाई जाती है। मुख्यतः रूप से शैल हमारी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अग्नेय मतलब इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंटी शैल तथा कायंत्री मतलब मेटामोरियफ शैल। ये तीन प्रकार की शैलों के नाम दिए गए हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बनी शैल को अग्नि शैल कहते हैं तथा इसे प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल तथा बहिर्भेदी शैल। सबसे इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी शैल कितने प्रकार की होती है, तो हमारी शैल तीन प्रकार की होती है, अग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायंत्रीय शैल। और जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पिघल जाता है उसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अग्नि शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल, बहिर्भेदी शैल। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल लवित मैग्मा ही लावा होता है। जो लाल तरह का द्रवित मैग्मा होता है उसे ही लावा कहते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मतलब अंदर के भाग से निकलकर सतह पर आता है, बाहर की ओर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी पर इस पदार्थ से बने शैवाल को बहिर्भेदी शैल कहते हैं, बहिर्भेदी अग्नि शैल कहते हैं। उनकी संरचना बहुत महीन होती है तथा उदाहरण के लिए बेसॉल्ट। तो बहिर्भेदी शैल का उदाहरण अगर पूछा जाता है तो उसका उदाहरण है बेसॉल्ट। दक्कन पठार के बेसॉल्ट शैलों से बने होते हैं। जो दक्षिण जगह के पठार है वह शैल बहिर्भेदी अग्नि शैल से बने होते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इसी प्रकार के ठोस शैलों को अंतर्भेदी अग्नि शैल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि अग्नि शैल दो प्रकार की होती है, एक बहिर्भेदी होती है और एक अंतर्भेदी होती है। बहिर्भेदी वे शैल होती हैं जो लावा निकलने से बाहर की तरफ फैल जाता है, उससे वो शैल बनती है, चट्टानें बनती है, उसे हम बहिर्भेदी अग्निशैल कहते हैं। जो लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है तथा अंदर ही चट्टानें बनती है उसे हम अंतर्भेदी शैल के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट है, इसके कारण से बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैवाल का उदाहरण है। लेई मसालों दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं। ग्रेनाइट के बने होते हैं, वह किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जब शैल छोटे छोटे टुकड़ों से टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है उसे हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, चट्टान का रूप लेते हैं। इसी प्रकार की शैल को हम अवसादी शैल के नाम से जानते हैं। किस शैल के नाम से जानते हैं? अवसादी शैल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ है पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे जानवर अन्य जीवाणियों जो कभी इन शैलों पर नहीं रहे के जीवाश्म भी बना सकते हैं। अग्नि अवसादी शैल उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायंत्रीय शैल में परिवर्तित होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायंत्रीय शैल किस प्रकार निर्मित होती है, अवसादी शैल के उच्च ताप एवं दाब के कारण भी निर्मित या परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी
सेल्ट है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो चूना पत्थर है संगमरमर वो हमारा क्रांति शैल में आता है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, मतलब तो पूरी पृथ्वी का 1% भाग ही हमारा प्रॉपर्टी है, और 84% मेटल है और 15% क्रोड है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6371 है। ठीक है, तो शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है आइए हम जानेंगे। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ होता है अग्नि, तो इससे हुई है। सेडिमेंटा का, सेडिमेंटा की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और मेटाफोरिफ का अर्थ होता है, ग्रीक शब्द में मेटाफोरिफ का अर्थ है रूप में परिवर्तन होना। तो इस प्रकार इन शब्द की उत्पत्ति हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमसे पेपर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो अक्सर ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। जो चट्टानें हैं अक्सर कई तरीक़ों से हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जैसे सड़क बनाने के लिए, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग भी कई खेलों में इसके कर सकते हैं, उदाहरण के लिए सात पत्थर, प्यूटू, चिबी डडी, स्टैपू या किटकिट, पांच पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ खेलों के नाम इसमें लिख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, मतलब जो चट्टानें हैं वो टूटकर एक दूसरे में, जैसे चट्टानों से टूटकर ही अवसादी चट्टान बनती है। ये एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शैल चक्र के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तथा ताप एवं दाब के कारण अग्नि अवसादी शैल क्रांति शैल में बदल जाते हैं। यदि तापमान उच्च हो या दाब उच्च हो तो उसमें क्या होता है, हमारी अग्नि शैल और अवसादी शैल क्रांति शैल में परिवर्तित हो जाती है, इसमें बदलाव आ जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्रांति शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और यदि तापमान और दाब ज़्यादा होता है तो हमारी क्रांति शैल पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये डायग्राम में भी हमें बताया गया है कि किस प्रकार परिवर्तित हुआ है। आइए देखते हैं कि शैल चक्र का सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है हमारा कि मैग्मा क्रांति शैल में उपस्थित हुआ, क्रांति शैल में, फिर अवसादी शैल में, फिर अवसाद में अग्नाशय शैल में, फिर मैग्मा बना, फिर मैग्मा से क्रांति बना, अग्नि से क्रांति बना। तो इस प्रकार ये शैल चक्र हमारा चलता रहता है। आइए हम एनसीईआरटी के अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। किससे बनी होती है, विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक गुणधर्म होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मनुष्य होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि उर्वरकों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो होती है उसकी कितनी परतें होती है। पृथ्वी की हमारी
पृथ्वी की हमारी तीन परतें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी परतें होती है? वो होती है भूपट्टी, मेटल भूपट्टी जिसके बारे में मैंने बताया था, और मेटल के बारे में बताया था, तथा क्वार्ट्ज के बारे में बताया था। तो क्वार्ट्ज ये तीन परतें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल क्या है? क्या आपने शेल के बारे में पढ़ा है? अभी मैंने आपको बताया कि चट्टान होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने में खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शेल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार तथा आकार की होती है। तीन प्रकार के शैलों के नाम बताना है। आप जानते ही होंगे हमारे तीन प्रकार के शैल कौन कौन से हैं, अग्नेय शैल, अवसादी शैल तथा क्रांतीय शैल। ये हमारे तीन प्रकार की चट्टाने हैं। तो आइए आपको बताना है कि हमारे अवसादी शैल तथा बहिर्वेदी शैल में क्या अंतर है। आप क्या बता सकते हैं कि बहिर्वेदी व अंतरिक्ष शैल में क्या अंतर होता है? तो आइए हम पता करते हैं कि बहिर्वेदी अंतरिक्ष शैल का निर्माण किस प्रकार होता है, इनमें क्या अंतर होता है। बहिर्वेदी अग्नेय शैल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मतलब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, तब आग की तरह लाल मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेज़ी से ठंडा होकर जम जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बनी बहिर्वेदी अग्नेय शैल कहलाती है। इसकी संरचना बहुत महीन ढालों से बनी होती है, उदाहरण के लिए बेसॉल्ट। ठीक है, अब अंतर्वेदी शैल किस प्रकार बनी है? द्रवित मैग्मा कभी कभी प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस शैलों के अंतर्गत अग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेती है, जैसे ग्रेनाइट इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, क्या आप बता सकते हैं शैल चक्र क्या होता है? तो शैल चक्र हमारा होता है, शैल चक्र में जिसमें अग्नेय शैल उत्पन्न होती है तथा बहुत से अनेक रूप ले लेती है, जिसमें हम शैल चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शैल चक्र एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की क्रिया को भी हम शैल चक्र कहते हैं। अब शैलों का उपयोग, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो शैल हैं, शैल जो बनी है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो शैलों का उपयोग हमारे शैलों के कई दुर्ग, किले का निर्माण भी हो चुका है तथा भवन बनाने में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। साथ में सड़क निर्माण में, विभिन्न खेलों में जैसे मैदान, इन सब बनाने में हमें शैलों का उपयोग किया है। क्रांतीय शैल किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्रांतीय शैल किसे कहते हैं? क्रांतीय शैल अग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप दाब के कारण क्रांतीय शैल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्नेहक एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आइए कुछ इसके क्वेश्चन के बारे में और पढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो द्रवित मैग्मा होता है, द्रवित मैग्मा से कौन से शैवाल बनते हैं? क्या अग्नेय शैवाल बनते हैं, अवसादी शैवाल बनते हैं, क्रांति? तो वह बनते हैं अग्नेय शैवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतर वाली परत को क्या कहते हैं? सबसे भीतर वाली परत को हम क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसका उदाहरण है? क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा कोयला है पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? क्या वे शैल के उदाहरण है, खनिज के उदाहरण है या जीवाश्म? तो हमारे वो खनिज के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे चट्टान जिसमें शैल जीवाश्म पाए जाते हैं, क्या वे अवसादी शैल होते हैं, क्रांतीय शैल होते हैं या अग्नेय शैल होते हैं? तो वह अवसादी शैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? क्या वह प्रॉपर्टी होती है, मेटल होती है, क्रोड होती है? तो हमारी प्रॉपर्टी सबसे पतली परत होती है। तो अब हम खाली मैचिंग के बारे में बात करेंगे कि मिलान करो, किस प्रकार हम इसका मिलान करते हैं। क्रोड खनिज शैवाल का, पृथ्वी की सतह पर क्या पाया जाता है?
क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर क्या पाया जाता है और सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए हम शैवाल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? शैवाल का प्रयोग करते हैं। जो क्रोड होती है, हमारी क्रोड एक भीतरी होती है, पृथ्वी की सतह के भीतर पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तथा यह क्या कहते हैं, जो हमारे खनिज होते हैं इसका रासायनिक मिश्रण होता है, और जो हमारा खनिज है वो पृथ्वी की सतह के अंदर पाए जाते हैं। जो हमारी क्रोड है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती हैं। इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर और दे रखी है कि चिकनी मिट्टी क्या होती है। चिकनी मिट्टी हमारे स्लेट में बदलता है, क्या बदलता है? स्लेट में से बदलता है, और सीएल सिलिका एल्युमिनियम से पीछे बना होता है। तो हमारा जो कोड है, रोड है, वो स्लेट का बना होता है। किसका बना होता है? स्लेट का बना होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारा खनिज है, खनिज सड़क या इमारतों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ मैचिंग को। जो क्रोड होता है, सबसे भीतरी परत को हम क्रोड कहते हैं। खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, और जो शैवाल है, सड़क या इमारत बनाने के लिए शैवाल का उपयोग करते हैं। जो चिकनी मिट्टी है, स्लेट में बदलता है। जो सीएल है, वो सिलिका व एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। तो आइए अब इसके कुछ उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण है। क्या आप इसी कारण की चर्चा कर सकते हैं कि कारण बताओ कि हम किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं? कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्या आप बता सकते हैं कि हम पृथ्वी के केंद्र तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते? हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर अत्यधिक कि पृथ्वी के अंदर तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको मनुष्य समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक जाना चाहते हैं तो। और साथ ही में पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। पृथ्वी केंद्रीय कोर तरल अवस्था में आग का गोला होता है तथा इसका दाब भी बहुत अधिक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि अवसादी शैल अवसाद से बनती है? यस, शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि का रूप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दी जाती है। ये अदृढ़ मतलब बहुत कठोर होने के कारण अवसाद दबकर अब कठोर होने से शैल का परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों अन्य सूक्ष्म जीवाणियों जो कभी नई शैवाल पर रहते हैं, जीवाश्म भी कहते हैं। इन्हें जीवाश्मी कह सकते हैं। क्या आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे हमारा कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, क्या कारण है? चूना पत्थर है अवसादी शैल, चूना पत्थर है वो एक अवसादी शैल है। अवसादी शैल उच्च ताव दाब के कारण से शैल में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताव दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित होता है। तो आई होप कि आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाए हैं समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो भी, और अगर ना पसंद आए तो अपना इम्पोर्टेंट सुझाव या सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा।